समक्ष ने लिया है किसी गोरे से कार्ड, उसको दिया है कोई लकी क्या, लकी मोबाइल, लकी सिम कार्ड। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम द प्लाजा होटल कैमलूप्स। द करंट टेम्परेचर इज -6 degrees Celsius। अभी यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि प्रॉपर हीटिंग एंड ऑल एवरीथिंग यहाँ पे है, तो यहाँ कुछ समझ में आ नहीं रहा है। जब बाहर जाएंगे तब समझ में आएगा असली टेम्परेचर। तो अभी जाते हैं फटाफट, होटल में ब्रेकफास्ट भी दिया है, तो अगर खुद के जेब को चोट नहीं पहुंचानी है तो इसलिए जल्दी उठना पड़ा, नहीं तो इतना जल्दी उठने का कोई चांस नहीं था। इट्स 9:30 अभी, तो अभी जाएंगे फटाफट, ब्रेकफास्ट करूँगा फटाफट जाके, एंड उसके बाद फिर डे प्लान करते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है आगे, आज क्या क्या चीज़ें काम करने हैं, तो वो चीज़ें हम लोग डे प्लान करेंगे आके। तो पहले चलते हैं फटाफट ब्रेकफास्ट करते, क्योंकि भूख भी बहुत बहुत कस के लगी हुई है। तो लेट्स गो, अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये उनके लिफ्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, 1928 इन द ओल्डेस्ट लिफ्ट, ये लिफ्ट है उनकी, काफ़ी अच्छी वुडन फील है इसकी, इट्स अ नाइस लिफ्ट। तो ऐसा कुछ दिखता है ब्रेकफास्ट का भी मेरा राउंड वन। कॉफ़ी काफ़ी अच्छी है, कॉफ़ी इज अमेजिंग, एंड खाना तो खा के देखते हैं कैसा है। तो चलो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी ऑल सेट, थोड़ा सा बाहर जाने के लिए, थोड़े सब काम करने के लिए। मैंने अभी अनपैक ज़्यादा कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत सामान अनपैक किया कि अभी फटाफट जाना है, क्योंकि सर्विस कनाडा का टाइमिंग्स रहते हैं तो वो बंद नहीं होना चाहिए, तो वहाँ फटाफट अभी जाना है। तो इसलिए पहले जो अभी सिर्फ एक चीज़ खोल रहा हूँ वो मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि एक किस तरह से पैक करना है आपको, आपका विंटर वेयर एंड कैसा, उससे एक आइडिया आ जाएगा। तो एक वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, फिर बाकी की पैकिंग जब वापस आऊँगा, जब वहाँ पे होटल वापस आएंगे हम लोग, तब जब चीज़ें अनपैक करूँगा तब आपको दिखाता हूँ फिर से, ठीक है। तो अभी मैं अनपैक करने वाला हूँ ये जो इतना सा दिख रहा है क्रम्पल्ड, यही है जैकेट जिससे ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा। ये मैंने वहाँ सोच के आया था, बट देखना पड़ेगा क्या ये सेम प्रोटेक्ट करेगा या नहीं। तो इसको खोलते हैं। तो यू कैन सी कि ये कितना सा हो चुका है वैक्यूम पैक करने के बाद। तो अभी इसको खोलेंगे। तो ये है वो मोटा भारी जैकेट जो इतना सा हो गया था। ये सबसे ज़्यादा जगह ले रहा था मेरी, बट पैकिंग का पूरा क्रेडिट मैं अपने पापा को एंड उनके क्या बोलते साथीदार मेरी मम्मी को देना चाहूँगा, क्योंकि वो दोनों ने पूरी पैकिंग करी, जितनी भी करी है। आज अगर यहाँ पूरा सब एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में यहाँ पे हूँ, तो ये उन लोगों के लिए वजह से ही है, क्योंकि जिस हिसाब से मेरी पैकिंग हुई है मैं इतनी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता था। आपको भी पता है कि क्या होता है जब पैकिंग करने जाओ तो व्हाट हैपेंस, इतने अच्छे से इतने इजीली पैकिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो चलो पैकिंग की बात पूरी हम बाद में करेंगे, पहले ये आइटम पहनते हैं एंड चलते हैं बाहर, लेट्स गो। तो अभी हम सर्विस कनाडा आ चुके हैं, भाई मिल गए हमको हमारे, यश भाई। यस, लेट्स गो टू सर्विस कनाडा। सर्विस कनाडा जाएंगे, सिन नंबर आज नहीं बनेगा, 2 तारीख को ही नहीं बचते हैं, तो इजीली वही बना लेंगे। फिर चलते हैं सर्विस कनाडा एंड देखते हैं यहाँ पे क्या, आज नहीं बनाएंगे, आज हमारे एक साथी को काफ़ी इच्छा थी सिन बनवाने की, तो वो पहुँचे हुए हैं यहाँ पे, तो चलते हैं साथी को लेने जा रहे हैं। और भाई अभी हम कहाँ जा रहे हैं फिर, क्योंकि सिन तो आज नहीं बनाना है। तो सिन तो नहीं बनेगा यार, अब हम जा रहे हैं इसकी सिम बनवाने द सोर्स, वहाँ पे आपको गिफ्ट कार्ड भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो सिम बनवाना तो द सोर्स नॉर्थ हिल्स मॉल 700 ट्रैंकले रोड आओ, एंड मेरा रेफरेंस दे देना, यश नाम ले देना, वहाँ पे पीयूष डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, यश नाम ले देना वहाँ पे, एंड डिस्काउंट मिल गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा, $50 का गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा और प्लान्स भी अच्छे मिल जाएंगे। $50 इज अ लॉट, या कहीं भी यूज कर सकते हो उसको, तुम आईफोन लोगे, चार्जर वार्जर लोगे आगे तो उसको वहाँ यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी चलते हैं हम लोग, अभी टैक्सी आगे दिखा दे, टैक्सी आ चुकी है हमारी, तो अभी टैक्सी से चलते हैं एंड आगे का हम लोग कंटिन्यू करते हैं फिर। चलो चलते हैं, टैक्सी वाला हमारे यश भाई के पहचान का निकले हैं, टैक्सी वाला यश भाई के पहचान का है, तो काफ़ी अच्छा बंदा है बोल रहे हैं, तो चलते हैं।
तो अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्थ हिल्स सेंटर, नॉर्थ हिल्स मॉल जो बोलना है वो बोलो उसको, जहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा वहाँ है अभी। हाँ, जहाँ डिस्काउंट दिखाते हैं सामने द सोर्स आएगा। अभी द सोर्स जाना है यहाँ पे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सिम कार्ड, तो वो लेना जरूरी है। अकाउंट खुलवाओगे तो वहाँ पे सिम कार्ड देना जरूरी है। ओके, तो बैंक अकाउंट पे सिम कार्ड जरूरी है, तो पहले बैंक अकाउंट खोलने में चले जाना, पहले सिम कार्ड के लिए ही जाना। तो अभी चलते हैं क्योंकि इंटरनेशनल रूम में ज़्यादा देर तक रहना इज नॉट गुड। चलो, ये है हमारा द सोर्स जहाँ हम लोग को जाना है। चलो, भगवान करे कुछ ना कुछ ऑफर मिल जाए, और क्या, बिल्कुल मिलेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं सिम बनाने के लिए। तो जो कनाडा के ब्लॉग्स देखते हैं वो हमारे भाई को जानते ही हैं, मुझे ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। तो पीयूष भाई से बनवा रहे हैं हम लोग यहाँ पर सिम कार्ड, और मैंने जो तो काफ़ी सिम लेने ही आना है, तो इसका है 700 ट्रैंकुलर रोड। तो एड्रेस बता दिया है एंड कैसे मिलना है, क्या करना, यू नो एवरीथिंग नाउ। तो अभी मुझे इसके लिए मांगा है एक पासपोर्ट, मेरा पासपोर्ट एंड मेरा स्टडी परमिट। अभी आगे की प्रोसेस देखते हैं क्या चलता है एंड सिम कार्ड बनाएंगे। तो अभी हम लोग ने सिम कार्ड ले लिया है, तो सिम कार्ड जो मैंने लिया है उसकी थोड़ी एक डिटेल्स जानना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे आपको गोरे लोग कुछ ही बोल सकते हैं, उसका भरोसा नहीं है। तो आइए जानते हैं भाई से कि क्या सिम कार्ड की जो मैंने लिया उसकी डिटेल्स क्या है। भाई देखो, कामरूप्स है छोटा शहर। कामरूप्स है छोटा शहर, तो यहाँ पे ना डज नॉट मैटर कि आप क्या लेते हो, फाइडो कूडो वर्जिन, यहाँ पे तीनों एक ही बराबर चलता है, ठीक है। थोड़ी सी जैसा मैंने लोगों से सुना है, एक्सपीरियंस लोगों से, आपकी शोर फ्रीडम की सर्विस यहाँ पे थोड़ी बेकार है। बाकी बेल, टेलस, रॉजर्स, ये लोग महंगे हैं, ठीक है। तो कोई भी ले लो, कोई मतलब इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि फाइडो कूडो वर्जिन। अभी जो प्लान चल रहा है वो चल रहा है $45 का प्लान है, 40 GB डेटा मिल रहा है, और क्या है, और कनेक्शन चार्ज भी नहीं लग रहा है, और गिफ्ट कार्ड भी मिल रहा है, ठीक है। और मेन ये है कि भाई इंडिया से अगर आप लेके आते हो ना, इंडिया से अगर आप सिम कार्ड लेके आते हो फाइडो से, तो वो लोग क्या करते हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है तभी वो लोग करते हैं कि आपको ना किसी और एरिया कोड का सिम कार्ड दे देंगे। जैसे कि आप आ रहे हो कामरूप्स, आपको सिम कार्ड दे देंगे ओंटारियो के कोड का। तो यार लोग यहाँ पे ना मतलब अननोन नंबर नहीं आंसर करते इतनी जल्दी, अगर बाहर के कहीं और से पिन कोड से कॉल आ रहा है लोग नहीं आंसर करते। तो ये थोड़ा सा अवॉइड करना कि भाई इंडिया से लेके आ रहे हो, तो ले रहे हो, लेने में कोई दिक्कत नहीं, बस उनको बोलो कि एलोकेट मी अ नंबर ऑफ माय सिटी, जिस सिटी में मैं जा रहे हो, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जब भी आ रहे हो, तो यहाँ पे आते हो सिम कार्ड ले रहे हो, तो ये चीज़ देखते हो सिम कार्ड लेना, ठीक है। तो अभी ये काम तो हो गया, सिम कार्ड का काम हो गया, ये काम हो चुका है हमारा। अभी देखते हैं आगे और क्या क्या हमको काम करने हैं, दो तीन काम है। सिम नंबर तो यूनिवर्सिटी से बनने वाला, सिम नंबर यूनिवर्सिटी से बनाएंगे। तो अभी आज बैंक जाके आते CIBC में देख लेते हैं, अगर इनके साथ काम हो जाता है। अपॉइंटमेंट तो बाद का है, बट फिर ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई कर लेते हैं। तो चलो अभी चलते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया, सिम कार्ड लेने के लिए आप प्रेफर्ड कोई इंडियन रहे तो उससे प्रेफर करिए, जो मैंने एड्रेस दिया है वहाँ से आप लीजिए। क्यों लिया है इसका भी रीज़न बताता हूँ। समक्ष ने लिया है किसी गोरे से कार्ड, उसको दिया है कोई लकी कंपनी का। ये कंपनी आज तक किसी ने सुनी भी नहीं होगी, तो मैंने वर्जिन का लिया है वैसे। तो समक्ष, क्या प्लान मिला है? मेरे को प्रीपेड मिला है क्योंकि मैं 19 का नहीं हूँ। अच्छा, तो मेरे को $72.5 इंक्लूडिंग टैक्स मिला है पर मंथ। माय गॉड, 72! जब मेरा प्लान था 45, मेरा 45 का मिला, उसको 72 का पड़ा, तो डिफरेंस काफ़ी है। इंडिया कॉलिंग है उसमें? इंडिया कॉलिंग है, लेकिन मेरे को $72.5 में भी 10 GB मिला है, नॉट 20 GB या 40 GB। मेरा 40 GB इन $45 है, एंड इंडिया कॉलिंग 1000 मिनट्स है उसमें, एंड यहाँ का तो अनलिमिटेड ही होगा, तो ये डिफरेंस होता है। तो क्या पता लगा इससे, क्या सीख मिली इससे? कि भाई सही बताऊँ तो गोरे तो काटेंगे, लेना हो तो इंडियन से, बस वही चीज़ है। इसको भी बहला फुसला के ये अच्छा, ये अच्छा, उससे उसने ले लिया, उसने तो पूछा भी नहीं था मेरे से, निकाल के लकी का पकड़ा लिया, और मैंने भी, मेरे को पता नहीं था, मैंने ले लिया। एग्जैक्टली, तो ये सब चीज़ें ये, तो इसलिए हाईली रिकमेंडेड है कि जो मैं कुछ स्टोर बताया, आप यहाँ पे आके फिर लीजिए एंड रिसर्च करके लो, कुछ भी रहना रिसर्च करके लो। तो ये जो मेरे को प्लान पड़ा काफ़ी अच्छा पड़ा है, डिफरेंस देख ही लिया है आपने, तो एक ये चीज़ है जो थोड़ा सा देखना चाहिए। तो क्या प्लान है अगला, फिर सिम कार्ड चेंज करना है? अब तो मैं महीने भर बाद ही कर पाऊँगा। भैया $72.5 चले गए हैं, अब अगले महीने मैं पोस्टपेड लेने की कोशिश करूँगा। ग्रेट, तो बस यही है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। तो अभी देखते हैं आज और क्या क्या काम निपटा सकते हैं, निपटाएंगे, तब तक एक्सप्लोर करते हैं। तो फाइनली हम लोग ने हमारा दूसरा काम भी कर लिया आज। समक्ष और मैंने, हम लोग ने हमारा CIBC का अकाउंट खुल गया है, GIC
का एक्टिवेशन हो गया है, सब चीज़ें हो गई है, तो भाई को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलने वाला है अभी। और मुझे क्रेडिट कार्ड का मैंने डाल दिया है, तो हफ्ते भर के अंदर क्रेडिट कार्ड आ जाएगा। कैसा लग रहा है भाई, क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है अभी तो? भाई बस वही है, दिक्कत तो होगी बिना क्रेडिट स्कोर के। क्रेडिट, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि अभी जो हम लोग को बैंक में बताया, यही चीज़ बताई गई, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव होता है। तो क्रेडिट स्कोर जो होता है वो आगे जब आप लोन लेंगे या जब आप गाड़ी लेंगे या कुछ भी, जब कुछ भी आगे लेंगे तो उसमें वो काफ़ी काम आता है। तो क्रेडिट कार्ड से जब शॉपिंग करते हैं या जो भी स्पेंड करते हैं, इट शुड बी 30-35%, लाइक बिलो 40% आपका रहना चाहिए। तो $1,000 का क्रेडिट कार्ड अगर है तो ट्राई कि $300 उसमें से खर्चा हो एंड उसका पेमेंट टाइम पे होता रहे, तो उससे क्रेडिट स्कोर अच्छे से इंप्रूव होता है। तो अभी ये सब चीज़ें नई नई सीख रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट्स है, मैं स्पेंड करूँगा तो भी सीख जाएंगे धीरे धीरे सब लोग कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या उसका एक्टिवेशन होगा एंड ऑल, कैसे क्या सब चीज़ें रहेगी। तो अभी डेबिट कार्ड हम लोग को मिल गया है, डेबिट कार्ड हमने ATM में एक्टिवेट करा लिया है, तो अभी उससे पेमेंट चालू हो जाएंगे। बेस्ट पार्ट इज़ कि उसमें एप्पल पे रहेगा जो मैं वॉच से और फ़ोन से दोनों से एक्सेस कर सकता हूँ, तो ये चीज़ काफ़ी एक हद तक काम आएगी। एंड एक चीज़ और बताई है कि सेविंग्स एंड चेक इन अकाउंट, चेक इन, चेक इन, तो सेविंग्स और चेक इन होता है, तो चेक इन से पेमेंट करते रहना चाहिए, क्योंकि चेक इन से वहाँ पेमेंट करते हैं तो चेक इन से पेमेंट करने में उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीस नहीं लगती है। मेरे जब आप सेविंग से कैश विड्रॉ करेंगे तो $5 पर ट्रांजैक्शन, डिपेंड करता है अकाउंट को, $5 पर ट्रांजैक्शन ऑलमोस्ट आपका उसमें से डेबिट होता है। और साथ ही साथ एक और चीज़ है कि जब सेविंग्स अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस हो जाता है और ट्रांजैक्शन आप करते हो तो उसमें ट्रांजैक्शन हो जाएगा, डिक्लाइन नहीं होगा, बट $45 की आपको हेफ्टी फाइन पे करना पड़ेगा। तो हमारा जो काम जल्दी हुआ है वो हमारे भाई की वजह से हुआ है। अच्छा जी, तो यश की वजह से हमारा काम जल्दी हो गया है। यार क्या बात करते हो यार, सबका करा दूंगा मैं जल्दी, सबका करा देगा ये। तो कैनेडा आते ही पहला स्नोफॉल है ये, तो अभी ज़्यादा व्लॉगिंग हो नहीं पाएगी यहाँ पे, तो ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड नाइट। Yeah.